आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ दो चीजें शेयर करूंगी, एक है हेयर ग्रोथ जेल और एक है हेयर ग्रोथ ऑयल। और दोनों को बनाने के लिए आपको बस एक ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमेशा हमारे किचन में अवेलेबल होती है। जो जेल और ऑयल है इसको यूज करके आपका सिर्फ हेयर ग्रोथ होगा ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आपके न्यू बेबी हेयर ग्रो होंगे। और अगर आप इंटायर हेयर पे उस जेल को यूज करेंगे तो आपके हेयर सिल्की, शाइनी और स्मूथ भी बन जाएंगे। अगर आपके हेयर टूट जाते हैं बीच में से और बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, ऐसा मेरे को कमेंट भी आता है कि दी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर यूज करती हूँ, अपने बालों पे हीटिंग टूल्स का यूज करती हूँ, इस वजह से हमारे हेयर जो है वो डैमेज हो गए हैं और अभी टूट टूट के गिर रहे हैं, स्प्लिट इंड्स की प्रॉब्लम भी है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम है वो इस टोनर से और इस ऑयल से खत्म हो सकती है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ चैलेंज भी किया है 15 डेज का। आप 15 डेज यूज कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके बालों में वर्क कर रहा है तो आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यूज किया है और मैं आपको बिफोर आफ्टर वीडियो भी दिखाऊंगी। आप लोग मेरे बिफोर और आफ्टर दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा मैंने सेम ड्रेस पहना है, इसलिए क्योंकि सिर्फ लेंथ की बात नहीं है, हेयर टेक्सचर, हेयर कलर और आप वॉल्यूम भी देखिए हेयर के कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। बिफोर वाले में आप देख सकते हो बाल कितने ज़्यादा पतले लग रहे हैं, बट राइट वाले में आप देखिए कितने ब्लैक, सिल्की, शाइनी, स्मूथ और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज जो मैं दोनों रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसको बनाना जितना आसान है उतना ही इसका फायदा है। तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हेलो, मैं हूं रुंटी और मैं अपने चैनल पे रेगुलर हेयर केयर और स्किन केयर वीडियो शेयर करती हूं जो नेचुरल चीजों से मैं बनाती हूं। मेरी रुंटीमी फैमिली के सारे मेंबर्स मेरे रेमेडी से काफ़ी खुश हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो और आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम शेयर करेंगे जो जेल की रेमेडी है वो, और कैसे यूज़ करना है वो भी आप देख लीजिए। इस मैजिकल जेल को बनाने के लिए हमें चाहिए ओकड़ा यानी भिंडी। तो आप सब ये कह सकते हैं भिंडी तो सब्जी है, इसे हम बालों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट भिंडी में वो सभी चीज़ें शामिल होती है जिसमें आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और के मौजूद होता है, साथ ही ये मैग्नीशियम और फोलेट से भरपूर होता है। कुछ शोधों के मुताबिक भिंडी के बीज में बहुत अच्छी क्वालिटी वाला वनस्पति प्रोटीन शामिल होता है, साथ ही ये ट्रिप्टोफेन और सल्फर अमीनो एसिड से समृद्ध होता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर आपके बालों की कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने का काम करती है। आम तौर पर इसका प्रयोग बालों पर जेल के रूप में ही किया जाता है। जेल मार्केट में भी अवेलेबल है, पर मैं आपको केमिकल फ्री घर पे बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 3 भिंडी लिया है, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। जेल को बनाने की जो विधि है वो बहुत ही आसान है। आपको 1 ग्लास बराबर पानी लेना है और उसको एक पैन पे चढ़ा देना है गर्म होने के लिए। जब ये पानी गर्म हो जाए तब इसमें आपको एक कटे हुए भिंडी को दे देना है। फिर आपको 15 से 20 मिनट्स के लिए अच्छे से बॉयल करना है। मैं यहाँ पर 2 वीक्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो 2-3 दिनों के लिए बनाने के लिए तो आप एक भिंडी से भी बना सकते हो। और ये बनके रेडी हो गया है, अभी मैं इसको निकाल के छान लूँगी और जो जेल निकलेगा उसको मैं एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी। सिर्फ यूज़ करने से आधा घंटा पहले मैं इसको फ्रिज से निकालूँगी और यूज़ करने के बाद तुरंत इसको फ्रिज में डाल दूँगी। तो ऐसा करने से ये जो जेल है ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको बाहर स्टोर करना चाहते हो तो 5 दिनों तक आराम से रख सकते हो। अभी गर्मी का टाइम है तो बाहर जल्दी जल्दी ख़राब हो सकता है। अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसको ज़रूर यूज़ करना है और आप चाहो तो इसको रोज़ भी यूज़ कर सकते हो। सुबह जब आप अपने बालों को कोम करते हो तब आप स्कैल्प और पूरे हेयर पे इसको स्प्रे कर लीजिए और आधे घंटे के लिए बालों को खुला छोड़िए ताकि ये आपके बालों में एब्जॉर्ब हो सके। और फिर अपने हेयर को आप कोम कर लीजिए या फिर कोई हेयर स्टाइल में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ऑयलिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको यूज़ करने के बाद उतना चिपचिपा नहीं लगेगा कि आपको हेयर वॉश ही करना पड़े।
सो इस जेल को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? ये बालों की फ्रीज को दूर करता है, इसमें जो चिकनाई मौजूद होता है वो बालों को मुलायम बनाता है और ये मॉइस्चर भी प्रदान करता है। उबली हुई भिंडी की पानी का इस्तेमाल करने से इसमें मौजूद एमिनो एसिड और विटामिन आपके बालों को हाइड्रेट करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो आपके स्कैल्प को स्वस्थ रख के हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हेयर ऑयल को बनाना है और आपको कब कब इसको यूज करना है। आज का जो ऑयल है ये बिल्कुल मैजिक करने वाला है। इसके लिए मैं बस एक ही भिंडी ले रही हूँ और उसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑयल को हम ज़्यादा देर तक गर्म नहीं कर सकते तो ऑयल की जो बेनिफिट्स है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम भिंडी को कद्दूकस कर ले रहे हैं ताकि इसका जो बेनिफिट्स है वो ऑयल में जल्दी जल्दी आ जाए। तो अच्छे से इसको कद्दूकस कर लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी। मुझे ऑयल बना के उसको स्टोर करके रखना पसंद नहीं है क्योंकि मैं हर बार ऑयल को गर्म करके ही यूज़ करती हूँ। अगर बार बार गर्म करूँगी तो ऑयल की जो बेनिफिट्स है वो चली जाएगी। इस वजह से मैं उतना ही ऑयल बना रही हूँ जितना दो बार में यूज़ करके ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं वीक में बस दो दिन ही ऑयलिंग करती हूँ। तो अभी मैं जितना बना रही हूँ ये बस दो दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। आप चाहो तो 1 मंथ के लिए ऑयल को बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो है भिंडी कद्दूकस कर लिया है मैंने और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप कोई भी दूसरा बेसिक ऑयल ले सकते हो जैसे कि कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल। कोई भी प्रोसेस्ड ऑयल को यूज़ मत कीजिए क्योंकि इसको हम गर्म करने वाले हैं, वो पहले से ही प्रोसेस्ड है, तो ओवर प्रोसेस्ड होने के कारण ऑयल की जो बेनिफिट्स है वो आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। मैंने एक दूसरे पतीले पे 2 ग्लास बराबर पानी को गर्म कर लिया है और उसके ऊपर मैं इस ऑयल को चढ़ा दूंगी। फिर 5 से 7 मिनट के लिए इसको गर्म करने के लिए छोड़ना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए आप देखना ऑयल के ऊपर थोड़ा थोड़ा बुलबुला टाइप आएगा, मतलब ऑयल गर्म हो गया है। तब आपको फ्लेम को बंद कर देना है और ऑयल को ऐसे ही गर्म पानी में छोड़ देना है। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, आधे घंटे के बाद आप इस ऑयल को निकाल लीजिए और फिर आप छान के किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। गाइस ये जो ऑयल बना है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। मैं पिछले 2 हफ्तों से इसको यूज़ कर रही हूँ और इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। ये बालों में नेचुरल कंडीशनिंग की तरह काम करता है, मतलब शैम्पू करने के बाद आपको कोई कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस ऑयल को अप्लाई करते हो या फिर इस जेल को अप्लाई करते हो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप कोई भी एक चीज़ को अप्लाई कर लीजिए, जैसा कि अगर आपको जेल को यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता है तो आप इस ऑयल को बना के रख दीजिए और इसको रेगुलर ऑयलिंग तो आप करते ही हो, बिल्कुल उसी जगह पे आपको इस ऑयल को यूज़ करना है। और अगर आपको ऑयलिंग करना पसंद नहीं है तो आप जेल को यूज़ कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो आप दोनों को यूज़ कीजिए। एंड मैं आपको बताती हूँ सिर्फ 15 डेज़ में आपको बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा। इस ऑयल को आप वीक में 2 दिन अप्लाई करें। जिस दिन आप शैम्पू वॉश करना चाहते हो उससे 1 रात पहले इस ऑयल को अप्लाई कर लीजिए और ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। या फिर अगर आप ऑयल को ओवरनाइट रखना नहीं चाहते हो तो हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले पूरे बालों पे ऑयल को अप्लाई कर लीजिए, स्कैल्प में अप्लाई कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए और फिर एक माइल्ड शैम्पू से अपना हेयर वॉश कीजिए और नॉर्मली बालों को सुखाइए और फिर आप रिजल्ट देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। सो जैसा मैंने बोला ऐसे ही आप यूज़ कीजिए और मेरे साथ आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।